संघ क्या बात है। हाँ, माके पुलके से शुरू होता ये इधर जो नौजवान बातें कर रहे हैं मुझे सुन ले कुछ देर। ये नौजवान जानते कि प्रेम हल्के फुल्के से शुरू होता, लेकिन इधर वाले जानते अब धीरे धीरे भारी हो जाता। तो मैं हल्के फुल्के से शुरू करना चाहता हूँ कि हल्की फुल्की बातों में कुछ भारी बातें होती हैं। मन दे दीजिएगा कि हल्की फुल्की बातों में कुछ भारी बातें होती हैं, कुछ झूठी कुछ सच्ची कुछ अच्छी सौगातें होती हैं। प्रेमी रोगी भूखा केवल इन तीनों की किस्मत में छोटी छोटी रातें बेहद लंबी रातें होती हैं। तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। मेरी सुनिएगा कि तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। मेरे जज्बात बेहतर थे नहीं तो मर गया होता। भला उस दौर को इस दौर में कौन सुनता है। मुझे भी लोग सुन लेते अगर किस्सा नया होता। अगर किस्सा नया होता काफी प्रयोग हुए। मैं छंद का एक प्रयोग पढ़ता हूँ। इनने कहा था इशारे इधर कर रहा था कि कहते हैं लोग युवा प्रयोग नहीं करते। युवा प्रयोग नहीं, मैंने भी प्रयोग किया। मैं चार पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूँ। रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। अक्सर करके नायक नायिका को हिरनी बताता है, खुद को शेर बताता है। अगर प्रयोग आपको दिखाई पड़ जाए तो बताना। बिल्कुल सुनिए। इसीलिए मैं जानता था कि यही बेहतर यही सुनाना है कि रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। आ गई बहार और छा गया खुमार, फिर प्रेम को उछाह दे के बार करने लगी। हो गया शिकार सैर सृष्टि की कला को देख, नैन से भिड़ा के नैन बार करने लगी। हो गया शिकार सैर सृष्टि की कला को देख, नैन से भिड़ा के नैन बार करने लगी। कौन कहता है सिर्फ सैर करता शिकार, हिरनी भी सैर का शिकार। क्योंकि पुरानी चीजें तो बहुत बार सुनते रहते हैं। एक मुक्तक पढ़ के मैं कि होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गया, होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई, पास ख्वाबों के आकर धरा ले गई। उसकी आंखों में ऐसी थी जादूगरी, दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई। और एक दूसरा पढ़ देता कि आ गई प्यार की ऋतु हवा दे गई, आ गई प्यार की ऋतु हवा दे गई, उम्र भर जागने की दवा दे गई। क्या किसी और से मैं शिकायत करूं, क्या किसी और पर मैं भरोसा करूं, दिल की धड़कन ही दिल को दबाए। जिनकी कॉपी कई लोग पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी पढ़ रहे हैं। जचवा सुनिए कि हुई है वाटिका मधुरिम नया आयाम मिलता है, हुई है वाटिका मधुरिम नया आयाम मिलता है। तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है। जहाँ पर
विवाहित है वही समझ सकते हैं। जहाँ पर बैठ कर तुमने सुखाए केस थे अपने, उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिला। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, हिम्मत आ गई धीरे धीरे। तो मैं चार एक गीत के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सुनिएगा। मैं दिवाली का दिया हूँ, रात भर मुझको जलाना। मैं दिवाली का दिया हूँ, रात भर मुझको जलाना। मैं दिवाली का दिया हूँ, रात भर मुझको जलाना। पारना का जल हमी से और पलकों पर मैं धरा धन धान तुमको चाहता सर्वस्व देना। मैं धरा धन धान तुमको चाहता सर्वस्व देना। जिंदगी से चाहता हूँ मैं अंधेरा छीन लेना। मैं अंधेरा छीन लेना। मैं खुशी की ही किरण हूँ, मैं खुशी का आगमन हूँ, साथ मेरे जगमगाना। मैं दिवाली का दिया हूँ, रात भर मुझको जलाना। एक बंद और निवेदित करता हूँ। गोपियों के साथ मिलकर घूमना ब्रज धाम पूरा। क्योंकि ब्रज की शाम और अवध की शाम दो मशहूर है कि गोपियों के साथ मिलकर घूमना ब्रज धाम पूरा। मैं सखा बन कर करूंगा हर अधूरा काम पूरा, हर अधूरा काम पूरा। मैं वटों की छांव भी हूँ, मैं वटों की छांव भी हूँ और मुरली का तराना। मैं दिवाली का दिया हूँ, रात भर मुझको जलाना। गीत का अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ। स्वागत है। आ गया हूँ मैं अयोध्या में तुम्हारा राम बनकर। बहुत सारी राम पर बातें हुई। मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति राम बनने की कोशिश करे, उसके कर्म राम जैसे होने चाहिए। क्योंकि मूर्ति पूजन से अच्छा है चित्र पूजन से चरित्र पूजन किया जाए। आ गया हूँ मैं अयोध्या में तुम्हारा राम बनकर। तुम करो विश्राम केवल अब अवध की शाम बनकर, अब अवध की शाम बनकर। यदि कभी विचलित हुआ मन, यदि कभी विचलित हुआ मन, यदि कभी विचलित हृदय हो सिर्फ तुम मुझको बताना। मैं दिवाली का दिया हूँ, रात भर मुझको जलाना।